चलिए गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे रेसलिंग न्यूज़ वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमने लास्ट वीडियो में ब्रॉक लेसनर और बैकलेस के बारे में आप सभी को जानकारी दी थी। हमने बताया था कि WWE को बैकलेस में कौन-कौन से मैच शामिल करना चाहिए, और साथ में ये भी बताया कि ब्रॉक लेसनर जल्द ही तो नहीं, लेकिन ब्रॉक लेसनर WWE में वापसी कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पता लगा है ये होगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं, इसमें समय लग सकता है। अब हम बात करते हैं आज के स्मैकडाउन में हुए सबसे बड़े सेगमेंट के बारे में, जहां पर सोलो सिकोवा ने जिमी उसो को धोखा दिया। हम जानेंगे तीन कारण जिसकी वजह से सोलो सिकोवा ने जिमी उसोस को धोखा दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मैकडाउन एपिसोड में फैंस को बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। ब्लड लाइन फैक्शन के सोलो सिकुआ, जिमी उसो और पॉल हैमन ने रिंग में एंट्री ली। दोस्तों, शो की शुरुआत जो है कोडी रोड्स के साथ हुई थी। बाद में हमें ये सोलो सिकुआ वाला फैक्शन देखने को मिला, जहां पर पॉल के प्रोमो को बीच में सोलो सिकुआ ने रोका। उन्होंने जिमी उसो को पहले गले लगाया, फिर नए सुपरस्टार टामा टोंगा, जो कि जापानीज रेसलिंग के एक रेसलर हैं, उनकी एंट्री हुई और आकर जिमी पर हमला किया। सोलो सिकुआ ने अपने बड़े भाई को धोखा देते हुए उन पर हमला किया। पॉल हेमन भी ये देखकर चौंक गए थे। कई फैंस के मन में सवाल आया कि आखिर जिमी उसो पर सोलो सिकुआ द्वारा अटैक क्यों किया गया। इस वीडियो में हम जानेंगे तीन कारण जो बताएंगे कि क्यों सोलो सिकुआ ने जिमी उसोस पर हमला किया और उन्हें फैक्शन से बाहर कर दिया। तीसरा कारण, WWE दिग्गज रोमन रेंस की हार के बाद खुद को नया हेड दिखाने के लिए। रोमन रेंस को रसलमेनिया 40 की नाइट वन में भले ही जीत मिली, लेकिन नाइट टू में उन्हें कैरियर की सबसे बड़ी पराजय का सामना करना पड़ा। कोडी रोड्स ने उन्हें हराकर अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैम्पियनशिप पर कब्जा किया। रोमन ने कुछ महीनों पहले सोलो सिकुआ को अगला ट्राइबल चीफ घोषित किया था। पॉल हेमन ने स्मैकडाउन में बैक स्टेज सेगमेंट में बताया था कि जीत और हार से काफ़ी फर्क पड़ता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सोलो सिकुआ ने रसलमेनिया में जे उसो के खिलाफ हारने वाली जिमी उसो को फैक्शन से बाहर करने का फैसला लिया। सोलो ने रोमन से बिना पूछे ये फैसला लिया, और इस चीज़ का अंदाज़ा पॉल हैमेन की प्रतिक्रिया से लगाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार रोमन रेंस अभी ब्रेक पर हैं। ऐसे में सोलो सुकुआ ने बड़ा कदम उठाते हुए नए हेड के रूप में दिखाने की कोशिश की है। दूसरा बड़ा कारण, जिमी उसो और जे उसो का WWE में रीयूनियन कराने के लिए। हो सकता है जिमी उसो जे उसो ने सालों तक WWE में मतलब का रीयूनियन हो। जिमी और जे ने सालों तक WWE में साथ काम किया, लेकिन पिछले साल वो अलग हो गए। दोनों की दुश्मनी काफ़ी शानदार रही, और रसलमेनिया XL में आखिर दोनों के बीच ड्रीम मैच हुआ। यह चीज़ ज़रूर देखी गई है कि दोनों जुड़वा भाई एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। जब जिमी ने रसलमेनिया में माफ़ी मांगने की एक्टिंग की थी, तो जे उसो इसे सही समझ गए थे।
उन्होंने जिमी उसो को खड़े होने में मदद की थी। ऐसे में साफ तौर पर जे उसो दोबारा अपने भाई के साथ जुड़ना चाहते हैं। जे उसो को जिस तरह से बेबीफेस के तौर पर तगड़ा रिएक्शन मिला, उनका हील टर्न लेकर ब्लडलाइन में शामिल होते हुए जिमी उसो के साथ रियूनियन मुश्किल था। इसी के चलते जिमी को फैक्शन से बाहर कर दिया गया और उसका बेबीफेस टर्न हो गया। भविष्य में ज़रूर जे के साथ उनका रियूनियन देखने को मिल सकता। WWE दिग्गज रॉक के कहने पर सोलो सिकोवा ने बड़ा कदम उठाया। द रॉक ने ब्लडलाइन फैक्शन में शामिल होते हुए फैंस को सरप्राइज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने रोमन रेंस को अपना ट्राइबल चीफ भी माना। इन सभी चीज़ों के बावजूद द रॉक ही ब्लडलाइन के ऐसे सदस्य रहे हैं जो रसलमेनिया में अनडिस्प्यूटेड रहे। जिमी उसो की हार हुई और रोमन ने अपना एक मैच हारा। द रॉक ने साफ तौर पर रोमन रेंस की हार के बाद सोलो सिकोवा को अगला ट्राइबल चीफ बनाने का लालच दिया होगा। ऐसे में संभावित तौर पर ग्रेट वन के कहने पर ग्रुप की सबसे कमज़ोर कड़ी जिमी को फैक्शन से किया गया। यह चीज़ इस बात का संकेत भी देती है कि सिकोवा आप रोमन के रडार ऑर्डर नहीं मानते हुए रॉक की बात सुन रहे हैं और आने वाले समय में वो रेंस पर भी हमला कर सकते हैं। तो ये तीन बड़े बड़े कारण हैं जिसकी वजह से शायद WWE में जिमी उसो वहाँ ब्लडलाइन फैक्शन से बाहर हो जाएं। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नई जानकारी के साथ। टिल देन गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।